अदा पर गजल बना देता, कमबख्त मरती नहीं लड़कियां मुझ पर, वरना नागपुर में भी एक ताजमहल बना देता। और एक अर्थ है, जिसे कोयल समझा वो कौवा निकला, जिसे कोयल समझा वो कौवा निकला, दोस्ती के नाम पर हवा निकला, अरे जो रोका करते थे शराब पीने से हमें, उन्हीं की जेब से आज देसी पौवा निकला। ऐसा है, सभी क्रिकेट देखते हैं आप सभी, तो मान लीजिए हमारा क्रिकेट काफी कुछ चला नहीं, तो हमारे जो कुछ एक्टर्स है वो सोचते हैं क्यों ना हम क्रिकेट खेलें। तो ऐसे टाइम पे कुछ एक्टर्स अगर क्रिकेट खेलने आए और मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से उनका कॉम्पिटिशन है, तो ऑस्ट्रेलिया का एक बॉलर ब्रैडली जाएगा एक प्लेयर के पास, जॉनी वर बैटिंग कर रहे हैं, उसे डिमोटिवेट करेंगे, ऐसा कहेंगे, पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा, खाने को रोटी भी नहीं मिलेगी, तुम साला गुलाम लोग हमारी छूती के नीचे ही रहेगा। जॉनी वर कहते हैं, क्या डायलॉग मारा बाबा, क्या डायलॉग मारा, ऐसा डायलॉग अगर फिल्म में बोले तो फिल्म स्टार बन जाए। आज जितने भी बड़े बड़े फिल्म स्टार बने हैं ना, मैंने बनाया है। अरे आज अमिताभ बच्चन से लेकर जो भी जिस कार्पेट पे खड़े हैं, मैंने खड़ा किया है, कार्पेट खींचा गिर जाएंगे। तो यहाँ क्या कर रहा है बाबा, एक्टर बन जा। तो ये थे जॉनी लीवर। अब जॉनी लीवर के बाद मान लीजिए आते हैं अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन कैसे कहेंगे, अमिताभ बच्चन, ना समझो तो मिल जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान मिट जाएंगी दास्तानों में से, अरे ये तीन तंगों में छपा कपड़े का टुकड़ा नहीं हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका सम्मान करना सीखो वरना कभी सम्मान नहीं पाओगे। अरे क्या खेल रहे हो भैया तुम लोग, क्या खेल रहे हो, अरे इस तरह से क्रिकेट खेलते हैं क्या, अरे हमारी इंडियन टीम हार जाएगी भैया, अरे प्लीज भैया, अरे कोई तो बचा लो भैया, कोई तो बचा लो। तो ये थे हमारे अमिताभ बच्चन। अब देवानंद आते हैं, तो कितने ज्यादा देवानंद, जरा ध्यान दीजिए, देवानंद गुलाब वो भी कमल बना देता, तेरी हर एक अदा पर गजल बना देता, कमबख्त मरती नहीं इस बूढ़े देवानंद पर, वरना बूटी बोरी में भी एक ताजमहल बना देता। बात ऐसी भैया कि आप सोचते हैं कि मैं सब दूसरे नंबर पे खिलाड़ी क्यों आया, असल में मैं पहले आने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं चलता इस तरह से हूँ कि दौड़ता इधर हूँ और पहुंच जाता इधर हूँ। असल में प्रॉब्लम ये हुई थी कि बचपन में मुझे पोलियो का टीका नहीं दिया गया था, तो इसीलिए मुझे पोलियो की बीमारी हो गई है। इसलिए कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप जरूर दीजिएगा। ये थे हमारे देवानंद जी। अब आते हैं सनी देओल। सनी देओल आते हैं किसे करते हैं, सनी देओल ये 2.5 किलो का हाथ है, जब ये किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। तुमने इंडियन टीम को छेड़ के जो तार तुमने छू लिया है, बस बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। इसलिए कहता हूँ पॉन्टिंग, अपनी टीम को वापस यहाँ से लेके चल जा, वरना जामटा में इतना मार खाएगा कि तू झटकना भूल जाएगा। ये थे हमारे सनी देओल जी। अब मान लीजिए अगर हमारे अमोल पालेकर, अमोल पालेकर आते हैं तो किसे कहेंगे, अमोल पालेकर। अरे मैं कहता हूँ सर, सर प्लीज सर धीरे बॉलिंग डालिए सर, धीरे धीरे बॉलिंग डालिए सर। अरे मैं बहुत ही कच्चा खिलाड़ी हूँ सर, अगर कोई फास्ट बॉल डाले तो मेरा तो हार्ट ही फेल हो जाएगा ना सर। सर आप बात क्यों नहीं समझते सर, प्लीज सर धीरे बॉल डालिए, ब्रैडली मैकग्रा को मत लाइए सर, अरे कोई बांग्लादेश का बॉलर तो लेके आइए सर, या हमारे इंडियन टीम से ही उठा लीजिए, बहुत धीरे फेंकते हैं सर, पता नहीं क्या खाते हैं सर, इतना दौड़ते हैं फिर भी उनकी बॉलिंग स्पीड ही नहीं बढ़ती सर, कई साल से देख रहा हूँ सर, प्लीज सर धीरे धीरे बॉल डालिए सर धीरे। तो ये थे हमारे अमोल पालेकर जी। अमोल पालेकर बाद हमारे अगले कलाकार आते हैं अमरीश पुरी। अमरीश पुरी आएंगे तो किसे कहेंगे, अमरीश पुरी। अरे भाई लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, सारे जग में नहीं है कोई दूसरा हिंदुस्तान, अरे ये ऑस्ट्रेलिया वाले मुझे घूस देने वाले थे, अरे लेकिन शेर को कितनी भी रबड़ी खिलाई जाए
मांस खाना ना भूले मुकेम्बो खुश हुआ। ये थे हमारे अमरीश पुरी जी। अब हमारे अगले एक्टर, मान लीजिए लोग क्रिकेट खेलना है, मुझे पता नहीं आप लोग कितना सुहेब इलियासी को जानते होंगे, लेकिन सुहेब इलियासी द मोस्ट वांटेड के एंकर रह चुके हैं। अगर आप वो आते तो किस तरह से बोलते थे, सुहेब इलियासी, ऑस्ट्रेलिया के तमाम भगोड़े बॉलरों इस बात को ध्यान में रख लो कि तुम्हारे लिए मुझसे बच पाना आसान बात नहीं है, डू नॉट टेक दिस वार्निंग लाइटली। कहते सुहेब इलियासी जी। अंत में नाना पाटेकर, नाना पाटेकर आएंगे तो किसे कहेंगे, नाना पाटेकर आगे, हाँ आगे यहाँ पे मैच देखने, हाँ देखो, हाँ देखो, हाँ ये मैं अभी सेंचुरी मारूंगा, हाँ ताली मारेंगे, वाह वाह क्या सेंचुरी मारा, हाँ क्या सेंचुरी मारा, हाँ जीरो पे आउट होऊंगा, साले कहेंगे घूस खा के आया, हाँ क्या है ये नाटक, हाँ क्या है, ए तुम में से किसी को हक नहीं है यहाँ कुछ बोलने का, ये कलम वाले भाई ठीक कहती थी, हाँ ये कलम वाले भाई ठीक कहती थी, यहाँ सब मुर्दों का देश है, वो एक छोटे देश इस देश को नहीं सोच सकता है, वो सोच सकते हैं कि उसको पता है ये मुर्दों का देश है, ये मुर्दों का देश। थैंक यू।